अध्याय दो उपासना विवेक। ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। विवेक विवेक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज प्रमाण। जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद। मनुष्य जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। यही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है, जिसके लिए परिश्रम, परिमार्जित श्रम एवं अभ्यास है। अभ्यास एवं परिश्रम से ही स्थूल सूक्ष्म कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट है, जिससे तत्संबंधी पदार्थ नियति क्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान शोध प्रसिद्ध है। अनुसंधान भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भेद से है। अनुसंधान प्रक्रिया मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टा का तात्पर्य देखने, समझने, प्रयोग करने, व्यवहार करने एवं अनुभव करने योग्य क्षमता के संपन्न होने से है। उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ एवं आत्मस्थ भेद से होती हैं। पूर्ण अनुभव के लिए की गई प्रक्रिया कूटस्थ उपासना है। महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है, जिसके लिए मनुष्य बाध्य है। इसलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मनुष्य जीवन का कार्यक्रम है। मनुष्य में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है। परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता है। पूर्णता ही पांडित्य है। पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। परिमार्जनशीलता उत्पादन व व्यवहार में पाई जाती है। पांडित्य ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है। देवी देवता तीन प्रकार से गणने हैं, भू, अंतरिक्ष और दिव्य स्थानीय। यह उनकी विचरण क्षमता पर आधारित है। चैतन्य इकाई सूक्ष्म व कारण क्रिया के सम्मिलित रूप हैं। यही आत्मपुंज है, यही देवी देवता हैं। स्थूल शरीर प्राण वायु से, सूक्ष्म क्रिया चित्त से एवं कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है। सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है, यही अमरत्व का साक्षी है। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसलिए तीनों प्रकार के देवता द्योस्थलीय, अंतरिक्ष स्थलीय और भूस्थलीय होते हैं। ये ही क्रम से दिव्य आत्मा, देवात्मा एवं भूतात्मा है। आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्यात्मा, क्रिया पूर्णता से संपन्न सतर्कता सहित होने के कारण देवात्मा एवं विषयों में तीव्र आसक्ति एवं ससंगता सहित भयवश भूतात्मा है। राक्षस मनुष्य एवं पशु मनुष्य ही देहांतर भूतात्मा, मानवीयतापूर्ण मनुष्य व देव मनुष्य ही शरीरानंतर देवात्मा तथा दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर दिव्यात्मा की कोटि में गण्य है।
राक्षस मनुष्य एवं पशु मनुष्य ही देह अनंतर भूतात्मा, मानवीयता पूर्ण मनुष्य एवं देव मनुष्य ही शरीर अनंतर देवात्मा तथा दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर दिव्यात्मा की कोटि में गण्य है। भूतात्माएं अधिभौतिक तत्वों में, देवात्माएं अधिदैविक तथ्यों में तथा दिव्यात्माएं आध्यात्म में तादात्म होती है, इसलिए तीन कोटियां स्थापित पाई जाती है। अधिभौतिक की सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार, अधिदैविक सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन, अध्यात्मपूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार व्यवहार एवं उत्पादन क्रम प्रत्यक्ष है, इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय क्रम प्रत्यक्ष है। इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय अध्यात्मपूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित, अधिदैविक जीवन में व्यवस्थित एवं अनुशासित तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित एवं अव्यवस्थित पाया जाता है। इसलिए अध्यात्मपूर्ण जीवन में ही मनुष्य के चारों आयामों की एक सूत्रता पाई जाती है। विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में, एषणात्रय के लिए अधिदैविक मूल्यों में, ब्रह्म मुक्ति के लिए आध्यात्म में तादात्म पाया जाता है, जिसके लिए ही क्रम से आसक्ति, उपासना एवं निष्ठा प्रयुक्त होती है। परमात्मा में संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रयुक्त है, इसलिए यह में ही अनुभव पर्यंत जागृति के लिए ये बाध्य है। यह बाध्यता सत्ता में निहित मानव प्रकृति की अजागृति या भ्रांतिवश ही है। भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित, आवेशित या संबद्ध है, जो प्रत्यक्ष है। यह सापेक्षता तब तक दृष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए, क्योंकि भ्रम मुक्त अवस्था ही उसका परम उत्कर्ष है। नियंत्रण ही नियम, प्रेरणा, संयोजन, सापेक्षता, भ्रम, गति, परिणाम, क्रिया, आचरण, योग, वियोग, संयोग, पद, अवस्था एवं नियंत्रण है, जो दृष्टव्य है। दिव्यात्माओं की उपासना ही विद्या, देवात्माओं की उपासना ही उपविद्या तथा भूतात्माओं की उपासना ही क्षुद्र विद्या है। दिव्यात्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित दिव्यात्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए है। देवात्माओं की उपासना बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए एवं भूतात्माओं की उपासना केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव से संपन्न हैं, यही उनकी प्रतिष्ठा है। इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। केवल भौतिकता ही मनुष्य के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य में पाए जाने वाले चार आयाम केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य जब तक उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए, तब तक वह प्रयोग, प्रयास, अभ्यास के लिए बाध्य है। दिव्यात्माओं की उपासना में विवेकपूर्ण विज्ञान, तप, निश्चय, निर्णय तथा संकल्प की क्षमता उपलब्ध होती है, यही उनकी उपासना का प्रत्यक्ष फल है। देवात्माओं की उपासना से अर्ध विवेक, विज्ञान, धैर्य, साहस, स्नेह, विश्वास, त्याग तथा जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रण, संयम पाया जाता है, यही देव उपासना की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। भूतात्माओं की उपासना से अविवेक पूर्ण विज्ञान, अधैर्य, दुस्साहस, राग, द्वेष, ससंगता तथा अनियंत्रित जीवन क्रियाकलाप पाया जाता है, यही तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप ही क्रम से सजगता, सतर्कतापूर्ण, जागृति, सतर्कतापूर्ण एवं अजागृति, ससंगता सहित स्थितियों में दृष्टव्य है। यही निर्भ्रांत, भ्रांत, अभ्रांत एवं
भ्रांत अवस्थाएं हैं। इसलिए उपासना में प्रमुख शिष्टताएं दो प्रकार से गण्य हैं। इन्हीं दोनों शिष्टता विशिष्टताओं के मूल में मौलिक आहार शाकाहार दुग्धपान मांसाहार मद्यपान रहा है। यही विविधता का कारण है। इन्हीं के आधार पर उपास्य के प्रति गौरव आदर अर्पण समर्पण पूजा पूज्यता का प्रदर्शन प्रक्रिया में विविधताएं हैं। यही विविधताएं मत या संप्रदाय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। साक्ष्य ही वर्ग भावना एवं सीमाएं हैं। फलतः खंड समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास है। यही सामुदायिक अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है। यही वर्ग संघर्ष है। अंततो गत्वा यही समरोन्मुखता है। आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है। यह भी अंततो गत्वा वर्ग संघर्ष एवं संग्राम का कारण है, जिसका समाधान धार्मिक आर्थिक राजनीतिक में ही है, क्योंकि यह सार्वभौमिक है। रासायनिक द्रव्यों की संगठित शरीर रचना जिसमें मेधस समाहित रहता है, उसी से मांस पदार्थ है और वनस्पतियों में से शाक पदार्थ उपलब्ध है। इन दोनों में रासायनिक मूल्य अधिकांशतः समान पाया जाता है। ऐसे रासायनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी मांस शरीर रचना यंत्रीकरण तथा उसका उपयोग शाकविम की रचना प्रक्रिया व उपयोग में मौलिक अंतर है, जो निम्नांकित हैं। मांस शरीर में बीज अंडज पिंडज, शाक बिंब में उद्भिज। मांस शरीर का प्रयोजन चैतन्य इकाई का आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम, शाक बिंब का औषधि एवं आहार का माध्यम, जीवन एवं मनुष्य का यंत्रीकरण, मेधस सहित शरीर रचना, शाक बिंब में यंत्रीकरण मेधस विहीन रूप रचना। मांस शरीर की उपयोगिता चैतन्य इकाई का संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग्य, शाक बिंब की उपयोगिता चैतन्य का संचालन के लिए अयोग्य उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य, चैतन्य का संचालन के लिए अयोग्य उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य। मांस शरीर अवसर चैतन्य इकाई के संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन का अवसर, शाक बिंब में अवसर रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है। दूध उत्पत्ति जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। मध्य मधुरता सहित वस्तुओं की विकारपूत प्रक्रिया सहित आस्वीकृत रस द्रव्य है। दूध उपयोगिता मनुष्य शरीर के लिए पुष्टि प्रदायी पोषक स्निग्ध तार त्राणार्थ प्राणद एवं हृदय तथा मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। मध्य औषधि के रूप में उपयोगी पेय के रूप में त्राण प्राण शोषक पुष्टिहर भ्रम भ्रांति उत्तेजना कारक हृदय व मेधस का असंतुलनकारी द्रव्य है।
दूध प्रभाव सामान्य गतिदायी व पोषकदायी है, मध्य आवेश पूर्ण गति प्रदायी है। दूध की उपादेयता संवेदनशीलता का वृद्धिकारी तथा पोषक है, मध्य संवेदनशीलता का क्षयकारी व शोषक है। दूध अनिवार्यता मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में है, मध्य अमानवीयता की सीमा में है। मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध एवं शोषण घटना समायी हुई है। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी व मांसाहारी मनुष्य में शिष्टता आचरण व्यवहार एवं प्रवृत्ति का वैविध्य की स्थिति में रहते हुए प्रयोजन की स्थिति में प्रधानतः साम्य पाया जाता है। यह जीवों में भी प्रत्यक्ष है, इसलिए यह तथ्य स्पष्ट है कि मानवीयता जब अध्ययन गम्य होती है, समझ में आती है, तो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों मानवीयता के ही पक्ष में ही सहमत होते हैं। जब निष्ठान्वित होते हैं तब मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं। जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। यही सत्यता एक बिंदु है जहां समस्त प्रकार की शिष्टताएं मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित है। यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है। मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में मांसाहार शाकाहार की मौलिकता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हीनता दीनता एवं क्रूरता उसे स्वीकार नहीं होती। मानव में श्रेष्ठता की एकात्मिकता मानवीयता की सीमा में ही प्रतिष्ठित पाई जाती है। इसलिए उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है। जिन उपासना पद्धति के द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठताएं मनुष्य में वर्ग भावना को स्थापित करती हैं, वे सभी अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा वर्ग भावना समरोन्मुखी है। समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। इसलिए समस्त उपासनाओं के मूल में लक्ष्य साम्य है, वह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। वह केवल सर्व मंगल ही है, क्योंकि सर्व मंगल की कामना के बिना स्वयं का मांगल्य सिद्ध नहीं है। अन्य काम्य कामनाएं केवल मंगल मेता की भास प्रदायी है, ना कि अनुभवदायी। इसलिए सर्व मंगल कामना अनुरूपी कार्यक्रम तथा उसकी अनुसरण योग्य क्षमता पर्यंत मानव प्रयास करने के लिए बाध्य है। सही के प्रति भ्रमित रहना ही मत संप्रदाय एवं वर्ग का कारण है। मत सांप्रदायिक वर्गीयता में आर्थिक वर्गीयता और आर्थिक वर्गीयता में मत सांप्रदायिकता समायी हुई है। इसका निराकरण स्पष्टतया सार्वभौमिक रूप में पाए जाने वाली मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्त होने की संभावना एवं मुक्ति है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन हो जाती है। इसलिए उपासना की उभय पद्धति का अभिष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होता है, जो जागरण ही है। मनुष्य में शक्तियां क्रिया इच्छा व ज्ञान शक्ति ही है, जो उनकी अर्हताएं हैं। अर्हताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता जागृति पर आधारित पाई जाती है। जागृतिशीलता के लिए ही उपासनाएं हैं, ना कि ह्रास के लिए। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है, यही जीवन का संगीत है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं। बौद्धिक व्यवहारिक एवं भौतिक पीड़ाएं हैं। ये पीड़ा क्रम से समस्या अपराध अक्षमता एवं अपव्यय के रूप में दृष्टव्य है, यही अजागृति का प्रत्यक्ष रूप है। सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है।
सतर्कता एवं सजगता मानव इकाई में पाई जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती है, देखी जा रही है, प्रकट होती हुई देखी जा रही है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना होना, साथ ही सदव्यय होना ही क्रिया शक्ति की जागृति है। सदव्यय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता की सीमा में नियम त्रय के रूप में है। अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा, विचार, इच्छा व संकल्प का अपव्यय ना होना ही सदव्यय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है, यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय मानवीयता एवं अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है, यही मनुष्य जीवन की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है, यही समग्र मानव की कामना है, यही सर्व मंगल है। इसलिए जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है, यही सतर्कता, अखंड सामाजिकता, प्रबुद्धता, निर्विषमता, सह अस्तित्व, शिक्षा, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता, अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है, यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धियां हैं। जो जिस विधा का पूर्ण ज्ञाता, कार्य व्यवहार तथा अनुभव अभ्यासी है, उसमें उसकी निरंतर क्रियाशीलता पाई जाती है। अस्तु, क्रिया की पूर्णता उस क्रिया की निरंतरता है, इसलिए वह उदासीनता का या दूसरे को उदासीन करने का कारण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता के लिए क्रियाशीलता है, पूर्णता क्रिया की निरंतरता है। जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता होती है, जैसे क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता। इसलिए अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का परिमाणीकरण अथवा अजागृत से जागृत का परिमाणीकरण संभव नहीं है, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य। यह मनुष्य में प्रत्यक्ष है, जैसे प्रत्येक मनुष्य अपने से कम जागृत का परिमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। इसी के अनुसांगिक मनुष्य कम जागृत प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है, और अधिक का ज्ञान भी उसे हुआ है, इसलिए समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हुआ है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गरिमा और महिमा है। यही गरिमा समान के साथ व्यवहार, अधिक जागृति के लिए अभ्यास करने के लिए प्रेरणा है, यही वास्तविक उपासना है। विवेक अर्थात मानव लक्ष्य और वैराग्य अर्थात समृद्धि ही उपासना का प्रत्यक्ष लक्ष्य है, उपासना का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप से समाहित रहती है। वैराग्य का परावर्तन ही असंग्रह, उदारता एवं दया है। भौतिक समृद्धि में उदारता एवं दया के मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है, यही सामाजिक संगीत है, इसी के लिए मानव तृषित है। विवेक ही बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है, इसलिए विवेक व वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान, सद्व्यवहारिक ज्ञान का प्रधान लक्षण है। अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है, इसके पूर्व अनुमान अधिकार ही प्रसिद्ध है। वस्तु स्थिति, वस्तुगत स्थिति सत्य में ही अनुभव है। परोक्ष ज्ञान के बिना नित्य अनित्य, युक्त अयुक्त, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इष्ट अनिष्ट
दृष्ट अदृष्ट तथा परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता है। नित्य अनित्य ज्ञानाधिकार के बिना मनुष्य में स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है। मानव धर्म ही सुख, सुख ही न्यायपूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण आचरण ही मानवीयता पूर्ण सीमा एवं नियम त्रय का पालन है। यही मनुष्य का स्वधर्म है। मानव सुख धर्मी है, मर्यादा विहीन इकाई नहीं है। जैसे जीवों में स्वभाव मर्यादा, वनस्पतियों में गुण मर्यादा एवं पदार्थों में रूप मर्यादा भंग नहीं होती है, यही उनकी गरिमा है। इसी प्रकार मानव में सुख ही धर्म है, धर्म ही मर्यादा है, यही उनकी गरिमा एवं विश्वास है। मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है। विश्वास विहीन संबंध एवं संपर्क में सुख नहीं है। संबंध एवं संपर्क विहीन मनुष्य नहीं है। यही बाध्यता स्वधर्म के लिए है। इसके पालन में जो अक्षमता, अयोग्यता एवं अपात्रता है, वही दुख, क्लेश, समस्या और अजागृति है। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से परिपूर्ण होते तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है। मानव के स्वधर्म की सीमा में ही मत, संप्रदाय, वर्ग तिरोहित हो जाते हैं। यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। यही मांगलिक है। साध्य, साधक, साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है। इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है, अन्यथा असफलता है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना है, उसकी अग्रिम जागृति है, यही उपासना है। ऐसी कोई शक्ति व साधन नहीं है जिसका नियोजन या उपयोग ना हो, क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारिक नहीं है। आत्मरति में विवेक, विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान, विज्ञान पूर्ण कला रचना विवेचना और विचार, विवेचना पूर्वक आस्वादन एवं स्वागत, भावपूर्ण मन निरंतर असंतुलित एवं समाधानित है। इसी के फलस्वरूप आत्मा में परम आनंद आप्लावन, बुद्धि में आनंद आप्लावन, चित्त में संतोष आप्लावन, वृत्ति में शांति आप्लावन, मन में सुख आप्लावन प्रसिद्ध है। इंद्रिय कार्यकलाप तथा इंद्रियों का कार्य क्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। इस व्यापार में चतुर्विषय सीमांतवर्ती सिद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त और उपलब्धियां इसमें नहीं है। विषयों की सीमा में मनुष्य सीमित नहीं है, क्योंकि उसमें चार आयाम प्रसिद्ध है। मनुष्य ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति संपन्न होने के लिए बाध्य है। यही आवश्यकता, अवसर, संभावना एवं व्यवस्था है। संयमता पूर्वक ही मनुष्य के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में किए गए कार्य क्रियाकलाप में से गरिमापूर्ण वैभव प्रकट होता है। जैसे सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना बराबर अहिंसा। अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता तथा हीनता का नाश एवं धैर्य व धृति का उदय होता है। अस्त्य प्रतिष्ठा से धूर्तता व विकलता का नाश तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। अस्त्य का तात्पर्य चोरी न करना है। विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का भाव होता है, साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। शब्द के अर्थ अर्थात मंत्र अर्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है।
शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता, दया, कृपा, करुणा का प्रसवन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में ज्ञान एवं अनुभव होता है। ज्ञान विज्ञान विवेक रूपी स्वत्वहीनता ही असंयमता, मनोदौर्बल्य, मूल प्रवृत्तियों की अपरिष्कृति, राग मोह लोभ अविवेक अहंकार अभिमान, देहात्मवादी प्रवृत्ति, दुराचार, संघर्ष, असहस्तित्व, सशंकता, द्वेष तथा तपोहीनता है। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान और संयमता सिद्ध नहीं होती है। कृतज्ञता ही संयमता का आद्यांत आधार है। कृतघ्नता में असंयमता प्रत्यक्ष है। शैशव एवं किशोरावस्था में ही कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। दयापूर्ण विचार निरंतरता से कार्पण्य दोष का निवारण होता है। परम आह्लाद का अनुभव होता है। जिस लक्ष्य में अंतःकरण मन वृत्ति चित्त बुद्धि को तदाकार करे उसी में वह प्रखर होता है। जैसा जल में तदाकार होने से संताप का नाश और तृप्ति का अनुभव होता है, अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है, वायु में तदाकार होने से अस्थिरता का नाश और स्थिरता का लाभ होता है, प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है, परहित चिंतन से उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है, परोपकार से यश होता है, समस्याओं को सुलझाने से गौरव होता है, सबके कल्याण चिंतन से प्रतिभा का विकास होता है, पर गुण गणना अभ्यास से स्वदुर्गुणों का नाश होता है, पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है क्योंकि वह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं है। जागृति के क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। समस्या का कारण ही अप्रबुद्धता है, उसका निवारण केवल प्रबुद्धता है जो जागृति ही है। यही उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, जिसमें से मनुष्यकृत वातावरण ही प्रधान है, जो शिक्षा व व्यवस्था के रूप में ही है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। उसके लिए समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन के लिए योग्य सत्ता है। यही असंदिग्ध व्यवस्था है। प्रबुद्धता की सामान्यकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। एक व्यक्ति जो उपासना पूर्वक प्रबुद्ध होता है वह शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सामान्य हो जाता है। गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया न होने की स्थिति में मात्रा के आधार पर मूल्यांकन करने में भ्रमित मानव तत्पर होता है। यही वर्ग संघर्ष एवं समर है। मानवीयता की सीमा में व्यवहार नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कर्तव्य है। यही पुरुषार्थ है, यही प्रबुद्धता है। उपासना व्यक्ति की सीमा में व्यक्तित्व तथा कर्तव्य का प्रत्यक्ष रूप प्रदान करती है, क्योंकि उपासना स्वयं में शिक्षा एवं व्यवस्था है, इसलिए यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही मानव की सीमा में शिक्षा एवं व्यवस्था है। प्रतीक उपासना भी सत्यता को इंगित कराने का उपाय है। सत्य व सत्यता में विविधता नहीं है, प्रतीकता में अनेकता है ही। उसके द्वारा इंगित होने वाला सत्य पूर्ण है।
प्रतीक को ही लक्ष्य समझने वाली बौद्धिक स्थिति में सांप्रदायिकता पूर्ण आवेश, अभिमान और अहंकार पाया जाता है। प्रतीक लक्ष्यवादी उपासना क्रम अपूर्णता की सीमा तक गौण एवं असामाजिक सिद्ध हुई है, क्योंकि उसमें मानव लक्ष्य का स्पष्टीकरण एवं प्राप्ति नहीं है, इसलिए विषमताएं हैं। ऐसे प्रतीक स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक और शब्द के भेदों से गण्य है। ये सब प्रतीक सत्य में से के लिए समाहित है। अस्तु, सत्य ही लक्ष्य है। बौद्धिकता ही मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है, ना कि शरीर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाने वाली बौद्धिक क्षमता का ही आदर, उपेक्षा, सम्मान, तिरस्कार, मान है। अस्तु, बौद्धिकता ही मूल प्रवृत्तियां, संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता है। यही आवश्यकता, इच्छा, विचार, आसक्ति या अनासक्ति, परिमार्जन, प्रभाव, तत्परता एवं बौद्धिकता है। आशा भेद से उपासना, उपासना भेद से अनुभव, अनुभव भेद से अनुमान, अनुमान भेद से उपासना भेद है। यही उपासना में विविधता का कारण है। यह विविधता सार्वभौम आचरण की सीमा में विलय होने के लिए बाध्य है। मानव के लिए सहज समर्थ उपासना एक अनिवार्य कार्यक्रम है, जो अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की प्रतिष्ठा स्थापित करती है। सह अस्तित्व में अणुक्षण विषण वृत्ति से सहजा वृत्ति होती है। क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव ही अनुक्षण विषण वृत्ति है। अनुक्षण का तात्पर्य प्रत्येक क्षण में लगातार सह अस्तित्व चिंतन विचार क्रम में प्रामाणिकता का सहज प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। यही सहजा वृत्ति है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति की संपृक्तता का ज्ञान ही क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव है। यही भ्रमित भाव व अभाव का तिरोभाव है। यही सहज प्रतिष्ठा व अवस्था है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति का ज्ञान ना होने से और अनुभव मूलक ज्ञान ना होने से भय और प्रलोभन वश समस्त भ्रम मूलक कार्य व्यवहार सोच विचार को बनाए रखता है। यही संपूर्ण क्लेश का कारण है। काल क्रिया की अवधि है। इसी अवधि में आरोपित विचार व इच्छा है असहज एवं निरारोपित विचार व इच्छा है सहज है। मानव इकाई में ही जागृति के क्रम में भी निरारोपण क्षमता पाई जाती है। भ्रम बस आरोपण होता है। जो जैसा है उससे अधिक कम अथवा ना समझना ही आरोपण है। यही अज्ञान है, यही अक्षमता है, यही भ्रम है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिशीलता व सत्ता सहज पूर्णता के संबंध में ही आरोप या निरारोप क्रिया संपन्न होना पाया जाता है। प्रत्येक इकाई में रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म समाहित है। यही उसकी कार्यवत्ता है। इसी की गणना, परिमाण, प्रयोजन, ज्ञान ही प्रकृति के प्रति निर्भ्रमतापूर्ण क्षमता का द्योतक है। यही प्रमाण है, यही सहजता है। संपूर्ण क्रियाएं मूलतः रूप और शब्द भेद में द्रष्टव्य हैं। पूरकता के बिना इकाई में अग्रिमता नहीं है। पूर्णता पर्यंत इकाई पूरकता उपयोगिता के लिए प्रवृत्त है। पूरकता ही इकाई में ह्रास व विकास के लक्षणों को प्रकट करती है। यही प्रधान उपादेयता भी है। इकाई में प्रकट होने वाले शब्द आदि गुण ही सापेक्ष शक्तियां हैं। गुण विहीन इकाई नहीं है, इसलिए मनुष्य में सहज कामना का अभाव नहीं है। सहजता ही धर्म है। यही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद है। यही धारणा को स्पष्ट करता है, जो प्रत्यक्ष है। प्रत्येक कर्म फल ही मनुष्य के सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। सत्य और सत्यता के अनुभव क्रम में व्यवधान नहीं है। सत्य और सत्यता के अनुभव क्रम में व्यवधान नहीं है, क्योंकि अनुभव क्रम व्यवस्था सघन है। जागृति की कड़ियां सघन है, इसलिए सहजता आरोप से मुक्त है। आरोप ही न्यून अतिरेक मूल्यांकन है।
स्वयं की न्यूनातिरेक मूल्यांकन क्रिया ही असहजता है। स्वयं का मूल्यांकन तात्रे की सीमा में होता है। तात्रे की सीमा में न हो ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। धर्म का वियोग नहीं है क्योंकि यह धारणा है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण आचरण है जो सहजता का प्रधान लक्षण है। इसलिए अमानवीयता पूर्ण आचरण ही असहज है। इसलिए प्रकृति अपने में संपूर्णता के साथ सीमित है। यही अवधि है इसलिए पूर्ण में समाई है। यही पूर्ण में संपूर्णता सहज सहस्तित्व है। यही संपूर्णता का नित्य वर्तमान और ज्ञानावस्था के मानव में पूर्णता का प्रसव है। यही जागृति के लिए बाध्यता है। मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र में पाए जाने वाली अनावश्यक कल्पनाओं का निराकरण ही दर्शन क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन है। यही गुणात्मक संस्कार परिवर्तन शिक्षा एवं जीवन के कार्यक्रम का योगफल है। दर्शन क्षमता का उत्कर्ष ही अणुक्षण विषण है। यही मध्यस्थ क्रिया की क्षमता है। मध्यस्थ क्रिया ही दृष्टा है। मध्यस्थ क्रिया का चरमोत्कर्ष ही सम व विषम क्रिया का पूर्ण नियंत्रण है। यही क्षमता छन छन मध्यस्थ व्यवधान से मुक्ति है। संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के अनुसांगिक है। मनुष्य सहज ऐसा एवं विषयों की सीमा में प्रवृत्ति और निवृत्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है जो प्रत्यक्ष है। आत्मा के अनुसांगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प एवं सत्य कल्पना पूर्ण मानसिकता की स्थिति पाई जाती है जो प्रसिद्ध कर्म उपासना ज्ञान पूर्ण है। यही क्षमता देव व दिव्य मानवीयता को प्रकट करती है। यही पूर्ण जागृति है। ऐसनाशक्त बौद्धिक व्यवस्था में मानवीयता तथा देव मानवीयता स्वभाव प्रकट होता है। उसी के अनुरूप में मानसिक वातावरण की स्थितिशीलता है। ऐसी क्षमता ही सामाजिक चेतना एवं सतर्कता से परिपूर्ण पाई जाती है। विषय आसिक्त बौद्धिक व्यवस्था व प्रक्रिया में अमानवीयता पूर्ण आचरण संपन्न होता है जो पाशविकता तथा दानवीयता के रूप में दृष्टव्य है। इनमें उसी के योग्य मानसिकता पाई जाती है। यही लुप्त सुप्त कल्पना का कारण है। यही अजागृति तथा अपूर्ण सतर्कता का द्योतक है। श्रेय जागृति जिज्ञासु होने पर ही लुप्त सुप्त कामनाएं परिमार्जित होती हैं। फलतः दानवी व पाशवी प्रवृत्तियों से उदासीनता स्थिर होती है। साथ ही विवेकोदय होता है। श्रेय जिज्ञासा का उदय स्वसंस्कार विधि विहित अध्ययन तथा उसके अनुकूल वातावरण में होता है। विधि विहित अध्ययन निपुणता कुशलता व पांडित्य ही है। अध्ययन व वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा है। आत्मबोध ही सत्य जिज्ञासा का प्रधान लक्षण है। इसलिए अवधारणा ही अनुगमन तथा अनुशीलन के लिए प्रवृत्ति है जो शिष्टता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। प्रगति के लिए अवधारणा अनिवार्य है। जागृति के लिए अवधारणा एवं ह्रास के लिए आसक्ति प्रसिद्ध है। यही क्रम से निवृत्ति व प्रवृत्ति है। अवधारणा ही सद्विवेक है। सद्विवेक स्वयं में सत्यता की विवेचना है जो स्पष्ट है। मूलतः यही शुभ एवं मांगल्य है। अनुभव की अवधारणा सत्यबोध के रूप में अवधारणा ही सत्य संकल्प है। यही परावर्तित होकर शुभ कर्म उपासना तथा आचरण के रूप में प्रत्यक्ष है। इसी का परिवर्तित मूल्य ही धीरता वीरता उदारता दया कृपा और करुणा के रूप में प्रत्यक्ष है। सत्य में ही सम्यक बोध होता है। असत्य ही कल्पना एवं भास होता है। हीनता दीनता और क्रूरता से युक्त कर्म अशुभ होता है। स्वमूल्य ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का अस्तुषी है। इसलिए असत्य अभिमान तथा दर्प से मुक्त सत्य सरलता सहजता तथा सौजन्यता से युक्त कर्म व उपासना श्रेय कारक है। सत्य कामना की निरंतरता से लक्ष्य की अवधारणा होती है।
ज्ञान में ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति प्रत्यक्ष है। ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान ही है जो पूर्ण है। सत्य और सत्यता में दृढ़ता ही श्रेयमय जीवन है। सत्यानुभूति ही सबका अभीष्ट है। शरीर से संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं का संचालन मन ही मेधस द्वारा करता है। मेधस से सभी नारियां नियंत्रित हैं। शब्द का मूल रूप मन ही है। मेधस पर मन आस्वादन एवं स्वागत भावपूर्ण तरंगों का प्रसारण, संचालन, नियंत्रण करता है। उसके मूल में शब्द ही है। जागृति की ओर गति हेतु नियंत्रणात्मक शब्द ही मंत्र है। लक्ष्य प्राप्ति योग्य क्रम प्रक्रिया ही नियंत्रण है। शब्द में जो भाव है वही उसका अर्थ है। सार्थक शब्दों का अर्थ ही जागृति की ओर गति है, क्योंकि शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु है। भाव में जो उपयोग पूर्ण अनिवार्यता है वही उसका महत्व है। उपयोग पूर्ण अनिवार्यता में जो निश्चित दिशा है वही उसकी दृढ़ता है। यही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प में जो पूर्णता है वही अनुभव है, जो क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में पाई जाने वाली सुसंस्कृत मौलिक क्रियाएं हैं। भाव का तात्पर्य होने से है। क्रिया शक्ति कासा, इच्छा शक्ति आकुति तथा ज्ञान शक्ति मेधा नामक दिव्य बुद्धियां प्रत्यक्ष हैं, जिनके उदय से ही मनोबल, बुद्धि बल तथा आत्मबल प्रमाणित होता है। शक्ति त्रय जागरण, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति जागरण के बिना त्याग और प्रेम प्रमाणित नहीं होता है। शरीर में जीवन के लिए मनुष्यत्तर प्राणियों की तथा मनोमय, बुद्धिमय और आत्मय जीवन के लिए मनुष्य मात्र की सृष्टि है। ब्रह्म मुक्ति एवं प्रेम में जीवन के बिना स्व पर कल्याण नहीं होता। कल्याण का तात्पर्य जागृति सहज निरंतरता है। स्व पर कल्याणकारी कर्म, उपासना एवं ज्ञान के बिना शांति पूर्ण नहीं होता। विराग में जीवन में अभाव का अभाव हो जाता है। विराग ही आत्मलक्ष्य कारक होता है। आत्मलक्ष्य के प्रभाव से आत्मबोध होता है। आत्मबोध होने से आत्मदीपन होता है। आत्मदीपन होने से आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास होने से अज्ञान का क्षय होता है। अज्ञान का क्षय होने से आत्म प्रतिष्ठा होती है। आत्म प्रतिष्ठा होने से पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य होने से साम्राज्य सिद्धि होती है। साम्राज्य सिद्धि से परम ऐश्वर्य एवं पूर्ण तृप्ति होती है। ऐश्वर्य प्राप्ति से सहजा वृत्ति होती है। सहजा वृत्ति से ब्रह्म मुक्ति का अनुभव होता है। ब्रह्म मुक्ति का अनुभव ही मनुष्य के लिए चरम पुरुषार्थ है। यही पूर्ण जागृति और दृष्टापद प्रतिष्ठा है। नित्य शुभ हो, सर्व शुभ।